back to the channel. Well, आज का एक बहुत ही important topic है, because अभी China के साथ जो situation है India की वो बहुत ही एक बिगड़ी situation है and ये बहुत ही जल्दी escalate भी हो सकती है. And आज की video में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कुछ ऐसे Chinese apps हैं जिन apps को Indian intelligence agencies ने flag किया है and ऐसे total 52 apps है Play Store पे on Android and iOS जो बहुत ही ज़्यादा हानिकारक है फिर बहुत ही ज़्यादा dangerous हो सकते हैं India के security के लिए. कुछ दिनों पहले इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज ने कुछ ऐसे 52 ऐप्स को टारगेट किया है जिन ऐप्स का कुछ ना कुछ लिंक है चाइना से. एंड लिंक का मतलब बेसिकली ये है कि जितना भी डेटा ये ऐप्स कलेक्ट करते हैं ये सारा डेटा भेजा जाता है चाइना को. एंड जैसे कि आपको पता ही होगा चाइना एक ब्यूरोक्रेसी है, वहाँ पे कोई डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं है, जिसका मतलब चाइना में जितने भी कंपनीज हैं उनको चाइनीज गवर्नमेंट का सुनना पड़ता है. एंड अगर चाइनीज गवर्नमेंट कोई भी डेटा मांगती है, कितना भी डेटा मांगती है, सारा डेटा इन चाइनीज कंपनीज को देना पड़ता है. और ये एक बहुत ही डेंजरस बात है बिकॉज डेटा सबसे पावरफुल होता है. डेटा को यूज करके बहुत चीज़ें मैनिपुलेट की जा सकती है, बहुत सारी चीज़ें चेंज की जा सकती है एंड वर्स्ट टू वर्स्ट के बहुत सारी चीज़ें डिस्ट्रॉय भी की जा सकती है. यहाँ पे टेक वर्ल्ड ने बहुत ही एक सिंपल एंड बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल दिया था उनके वीडियो में एंड वो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा. बहुत सारे ऐसे ऐप्स हैं जो आपके लोकेशन को भी ट्रैक करते हैं एंड बेसिकली ऐप्स में लोकेशन ट्रैकिंग इसलिए होती है ताकि वो लोकेशन बेस्ड एड्स दे पाए एंड वो पर्सनलाइज्ड एड्स दिखाने के लिए ऐप्स लोकेशन ट्रैक करते हैं. बट इसकी वजह से जो ऐप है वो कंटिन्यूसली लोकेशन ट्रैक करता रहता है, उसकी वजह से आप कब कहाँ हो वो आराम से पता चल सकता है. तो अगर ऐसा डेटा चाइना के पास चला जाता है तो चाइना की गवर्नमेंट को एग्जैक्टली पता चल सकता है कि इंडिया में कितने लोग कहाँ कहाँ जाते हैं. अगर उनको कुछ डिस्ट्रप्टिव चीज़ करनी है तो वो कर सकते हैं. बहुत सारे ऐसे ऐप्स होते हैं जो आपका कैमरा एंड माइक्रोफोन का परमिशन लेते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारा प्राइवेसी इश्यूज हो सकता है. यहाँ तक कि आपको पता ही होगा इस बारे में कि अगर आप फ़ोन के सामने कोई टॉपिक के बारे में बात करते हो तो बाय डिफॉल्ट या फिर थोड़े टाइम के बाद उस टॉपिक के बारे में एड्स आपको देखने मिल जाते हैं. तो ये चीज़ इसलिए होती है बिकॉज बहुत सारे एप्लीकेशंस लाइक इंस्टाग्राम ले लो, फेसबुक ले लो एंड माइक्रोफोन को यूज़ करके पर्सनलाइज एड्स देने का ट्राई करते हैं ताकि जो एड्स का कन्वर्जन है वो ज़्यादा हो एंड लोग वो एड को क्लिक करके प्रोडक्ट है वो परचेस करें. तो अगर ये सारा डेटा चाइना के पास चला जाता है तो बहुत ही इशू हो जाएगा एंड उनको एग्जैक्टली ये भी पता चल जाएगा कि मे बी हाँ इंडिया का जो यूथ है वो फिट है कि नहीं, इंडिया में कितने लोग 50s के ऊपर है, 50s के नीचे है, कितने लोग यूथ में है, कितने लोग वर्किंग है, कितने लोग वर्किंग नहीं है, जिसकी वजह से इंडिया बहुत ही थ्रेटनिंग पोजिशन में आ जाएगा एंड इस वजह से बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो सकते हैं इंडिया को. यहाँ पे बहुत ही पॉपुलर ऐप्स हैं 52 ऐप्स में एंड मैं आपको यहाँ पे एक लिस्ट दे दूंगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिस्ट देखने मिल जाएगी. बट कुछ ऐसे ऐप्स हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा स्पेसिफिकली. वेल ऑब्वियसली जूम, टिकटॉक, बीगो लाइव वीडियो, वाइवा वीडियो, ये बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन हैं. डीयू बूस्टर को सुना होगा, डीयू बैटरी सेवर सुना होगा, आपने ES फाइल एक्सप्लोरर सुना होगा, देन जूम एप्लीकेशन. इवन कुछ ऐप्स ऐसे जो प्री इंस्टॉल आपके फ़ोन में आते हैं एंड ये बेसिकली जो शाओमी की फ़ोन्स हैं, शाओमी के फ़ोन्स में आपको MI स्टोर, MI कम्युनिटी, MI वीडियो कॉल, ऐसे कुछ ऐप्स प्री इंस्टॉल देखने मिल जाते हैं. बट ये ऐप्स भी रेड फ्लैग किए गए हैं एंड इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज जो है उन्होंने गवर्नमेंट को स्ट्रिक्टली बोला है कि ये जो 52 ऐप्स है इनको आइदर बैन कर दो या फिर जो ऑडियंस है या फिर जो कस्टमर्स है उनको इन ऐप्स को यूज़ करने से रोको, बिकॉज ये बहुत ही एक सीरियस मैटर बन चुका है. एंड मैं इस टॉपिक पे वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को भी वो ऐप्स पता चले. अगर आपने अपने फ़ोन में इन ऐप्स में से किसी भी ऐप को इंस्टॉल किया हुआ है तो अभी जाके उस ऐप को डिसेबल कर दो, डिलीट कर दो, अनइंस्टॉल कर दो, जो करना है कर दो. अगर आपको लग रहा है कि बस एक ऐप अनइंस्टॉल करने से क्या ही हो जाएगा, बट बिलीव मी गाइस अगर सब लोग ऐसा कर देंगे ना तो बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट पड़ जाएगा एंड बहुत ही बड़े थ्रेट से हम लोग बच सकते हैं. वेल गाइस आज की वीडियो के लिए बस इतना ही था. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करना बिकॉज बहुत लोगों को ये पता नहीं है अब तक. तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कर दो, सब्सक्राइब नहीं किया तो भी चलेगा, बस शेयर कर देना. एंड एनीवेज गाइस थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो, इसमें दे साइनिंग ऑफ, यू वॉचिंग एलिमेंट टेक एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वन.